और यहाँ बैठे हमारे सारे साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी विरह की, या उर्दू में कहें तो हिजर की। तो कुछ चंद मैंने अशआर उस पर लिखे हैं, बाकी मेन चीज़ मैं बाद में सुनाऊंगा। तो पहली स्टेज ये थी कि मेरी बेचैनियों का इलाज हो जाए, मेरी बेचैनियों का इलाज हो जाए, मेरी कि तुझ संग बांटने के लिए एक चाय और हो जाए। सच बताओ भूल गए हो क्या मुझे, सच बताओ भूल गए हो क्या मुझे, या आज फिर सोचा, सच बताओ भूल गए हो क्या मुझे, या आज फिर सोचा कि मेरा एक इम्तिहान और हो जाए। अब ये दूसरी स्टेज है कि कहते हैं कि अब वो भूल भूल गए हैं, अब सोच रहे हैं कि भाई कुछ और करते हैं। कहते हैं कि तय कर लिया है कि इश्क की इकोनॉमिक्स सही से चलाएंगे, तय कर लिया है कि इश्क की इकोनॉमिक्स सही से चलाएंगे। डिमांड जितनी सप्लाई होती, डिमांड जितनी सप्लाई उतनी, कहीं डिमांड ज्यादा होने से भाव कम ना हो जाए। अब हो गया, बिल्कुल सप्लाई जो है प्यार की खत्म कर दी है। तीसरी स्टेज ये है कि इश्क का सिलसिला खत्म कर दिया है, इश्क का सिलसिला खत्म कर दिया है, पुराना तजुर्बा है, पुराना तजुर्बा है, जिसे छू लूं वो किसी और का हो जाए। तो ये थोड़ी हिजर की बात उठी थी तो इसलिए हिजर के ऊपर सुना दी। तो मैं जो यहाँ पे सुनाने आया था वो एक दुहाई है, एक बच्ची की दुहाई जो पैदा ना हो पाई। तो वो ये कहती है कि मैं तुझे देख नहीं सकती माँ, मैं तुझे देख नहीं सकती माँ, पर सुन सकती हूँ। क्या तू भी मुझे सुन सकती है, क्या तू भी मुझे सुन सकती है माँ? हाँ लगता है कि तू मुझे सुन सकती है। अपने वजूद की निशानी मैंने तुझे दी थी, तेरी आवाज पे मैंने अपना पैर हिलाया था, उस पल तेरे आसपास कितनी खुशी थी माँ, सब्र मुझसे ना हो पा रहा। उतावली थी मैं कि जल्द वो दुनिया देख पाऊं जो मैंने तुझसे जुड़े रह के तेरे साथ गुजारी, उतावली थी कि जल्द वो दुनिया देख पाऊं जो मैंने तुझसे जुड़े रह के तेरी नजरों से देखी है, उतावली थी कि मैं जल्द तेरा चेहरा देख पाऊं, तेरा प्यार पा सकूं, अपने पापा से मिल पाऊं, चाचा के साथ खेल पाऊं, दादे का दुलार पा सकूं और दादा के सिखाए कुछ अल्फाज बोल पाऊं। मैं बेचैन थी माँ, मैं बेचैन थी हर किसी से मिलने के लिए, मैं बेचैन थी कि जल्द मैं तेरी दुनिया का हिस्सा बन पाऊं। यकीन मुझे था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, हर कोई खुश है कि खुदा के घर से कोई उनके घर आ रहा है, पर क्यों वो पल खुशी के पल भर में चले गए। सफेद कोट पहने उस शख्स के अल्फाज क्यों गम दे गए, उसने एक पहचान मुझको क्यों दे दी, कह के कि आपके घर एक बेटी होगी क्यों उसने गम की बरसात कर दी। मुरझा क्यों गए वो चेहरे, मुरझा क्यों गए वो चेहरे जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, क्या मैं वो हीरा नहीं जिसकी तलाश आप कर रहे थे। माँ मुझे खुदा ने तेरे लिए भेजा है, माँ मुझे खुदा ने तेरे लिए भेजा है, मुझे दफन ना कर माँ, मुझे दफन ना कर, मैं वो सब करूंगी जो जिंदगी में तेरी खुशी लाए। पापा की आंख का मैं तारा बनूंगी, दादी दादा का मैं सहारा बनूंगी, मुझे दफन ना कर माँ, मुझे दफन ना कर। मैंने तेरा डर महसूस किया है माँ, मैंने तेरा डर महसूस किया है, मैं जब आऊंगी ना माँ तुझे एक पल भी डरने ना दूंगी। क्या हुआ जो मैं लड़का नहीं, लड़कों से बढ़कर कहीं ज्यादा हिम्मत है मेरी, क्लास में अव्वल मैं आऊंगी, खेल में आगे मैं जाऊंगी, देश तो क्या दुनिया मैं चलाऊंगी, मेरा वादा है माँ हर पल खुशी के मैं तुझे दिखलाऊंगी। अफसोस वो दुहाई कोई सुन ना पाया,
माँ के लाख कहने पे भी उसे कोई दफन होने से कोई रोक ना पाया। दुनिया की गाड़ी दो पहियों पे चलती है ये कोई ना समझ पाया, और अफसोस फीमेल फेटिसाइड का एक और केस होने से कोई रोक ना पाया। एक छोटा सा गाना उसी बच्ची के नजर जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं क्यों। नैना शहर में पल जो रात जागते थे नैना शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भी गए नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। थैंक यू।